अस्सलाम लिख लीजिए। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो कि हमसे वाइटिंग इंजेक्शन जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसमें जो बेसिक जो क्वेश्चंस उनके होते हैं कि जी कितना अर्सा ड्यूरेशन होता है और इसका अर्सा कितना अर्सा रहता है। तो देखें जो स्किन की जो है 6 टाइप्स होती हैं। नंबर वन में आपके कैनेडियन नॉर्वेजियंस आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। 6 में अफ्रीकन आ जाते हैं। हम लोग चूँकि सांवले आते हैं 3, 4, 5 टाइप में आ जाते हैं। उसमें जब भी इंजेक्शन ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आपकी एक टोन बेहतर होगी, यानी कि 6 वाला 5 में चला जाएगा। हो सकता है कुछ लंबा अर्सा इंजेक्शन यूज करने के बाद 5 से वो 4 में चला जाए। ये कभी भी नहीं होगा कि 6 वाला टीका लगवा रहा है तो 1 में चला जाएगा। दूसरा, इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो 3 मंथ्स तक होती है। 3 मंथ्स में आपने वीकली बेसिस पे इंजेक्शन लगवाने होते हैं और उसके बाद आपने मंथली बेस पे एक इंजेक्शन लगवाना होता है और साथ मेडिसिन लेनी होती है। आपने डाइटरी हैबिट चेंज करनी होती है, जिसमें फूड जूस साइड का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ता है। स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी, इससे आपकी स्किन कलर फेयर हो जाता है। लेकिन आपको जो है इंजेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग ही लगते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ेंगे हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी। लेकिन उसमें ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जो इंजेक्शन करती है कम हो जाती है। 3 मंथ्स के बाद जो इंजेक्शन होते हैं वो 1 से 1.5 महीने की आयु से लगना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो चीज़ मेंटेन रहे। थैंक यू।